हेलो हेलो, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्या। गुड मॉर्निंग। टुडे वी हैव वोकैबुलरी वंस अगेन एंड विथ कंटिन्यूएशन। आई जस्ट टेल यू हाइट्स और फिट्स और फिगर, दो चीज़ें मैंने बताया था। एक का मतलब दोनों का विश्वास से संबंधित है, विश्वास से फेथ और फेथफुल जिससे संबंधित है, फेथ से। और जिसे कन्फाइड बताया था और कॉन्फिडेंस बताया था, ये सब क्या विश्वास से संबंधित है, फेथ से रिलेटेड है, फेथफुल से। और यही बताया था कि फेथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग का रिलीजियस वर्ड, फेथ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग सेज दैट फेथ हैज अ ग्रेट पावर, इट कैन मूव द माउंटेन। Faith has a great power and it can move the mountain. And just we have seen how we have faith in a stone and then we worship, Indian people worship lot of gods, goddess, or so many things are there that I do not want to go there. I am confined to walking only. तो विश्वास की बात है, तो विश्वास से बहुत चीज़ बना है। और एक चीज इसी से बना है परफिडियस, एक चीज बना है परफिडियस, परफिडियस, परफिडियस। तो परफिडियस मतलब होता है जो ये निगेटिव हो गया, जो वायलेट करता है, जो विश्वास को वायलेट करता है। वन हु वायलेट्स फेथ, वन हु वायलेट्स फेथ प्लेस यू प्लेस। अगर कोई आप पे विश्वास रखे और आप उसके विश्वास को ठुकरा दें या चीट करें तो उसको बोलते हैं परफिडियस। परफिडियस इज ए टर्म। तो परफिडियस का मतलब होता है बिट्रेइंग, बिट्रेइंग देयर फ्रेंड्स फैमिली और जस्ट वायलेटिंग द फेथ। जो फेथ है उस, अगर आपने कोई आप पर कोई विश्वास करता है, आप उस विश्वास को बिट्रे कर देते हैं। यू बिट्रे द फेथ, दैट मीन्स यू बिट्रे योर फ्रेंड, योर फैमिली, योर किथ एंड किन। तो दैट इज कॉल्ड परफिडियस, परफिडियस। और इसी से बना है गाइस, दो तीन वर्ड बना है परफिडियस, परफिडियस, परफिडी, ये नाम है परफिडी, परफिडी। और परफिडियसनेस, 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 दोनों नाम है दोनों, ये भी ये। तो परफिडी या परफिडियसनेस, और ये तो परफिडियस से बना है और ये डिराइव करके बैक फॉर्मेशन से बना, परफिडी, परफिडियसनेस। दो टर्म हैं जो कि ये बताते हैं कि आप जो है किसी के विश्वास को तोड़ा है। यू हैव नॉट रिस्पेक्टेड समबॉडीज फेथ, यू हैव ब्रोकन। तो व्हेन दिस परफिडियस एक्टिविटीज आर डन, इट मींस दैट द एक्टिविटीज विच गो अगेंस्ट द फेथ, गो अगेंस्ट द फेथ। परफिडियस मतलब होता है कि वो आदमी जो विश्वास पात्री नहीं है, जो विश्वास को धोखा देने वाला व्यक्ति, परफिडियस। और परफिडियसनेस का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी। परफिडियसनेस, परफिडी मीन्स होता है धोखाधड़ी, दोजू आर फ्रॉड, और इससे ये शब्द बना है। तो परफिडियसनेस। और जैसे कन्फाइड्स
का मैंने मतलब था कन्फाइड मतलब विश्वास रखना ना, यू कन्फाइड ए सेक्रेट टू टू समवन, और तो यू कन्फाइड इन समवन, जैसे आई कन्फाइड इन यू का मतलब होता है मैं आप में विश्वास रखता हूँ इसी से। तो परफिडियस का मतलब होता है कि वो वायलेट करता है, जो विश्वास को वायलेट करता है, परफिडियस बना है परफिड। और बोनाफाइड होता है, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, सम वर्क इज डन इन गुड फेथ, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड, बोनाफाइड इज गुड, बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ। ये जो है ये रिलीजियस टर्म है, बट इट इज यूज स्टिल यूज इन अ वेरी पायस सेंस। बोनाफाइड स्टूडेंट एक्चुअली दोज हु आर अ गुड स्टूडेंट हैव टेकन एडमिशन और गोइंग ऑन, तो वो बोनाफाइड स्टूडेंट है, बोनाफाइड तो बोनाफाइड है। और इसी से बना है फिडिल। हाँ, आप देखते हैं ये जो फिडिल है इसका मतलब होता है विश्वासी। फिडिल से कई बार बने, फिडिलिटी बना है, इनफिडिलिटी बना है, तो ऐसे देखते हैं फिडिल से जो शब्द बने हैं। तो अच्छा फिडिल है और इसी से इनफिडिल बने। फिडिल मतलब विश्वास करना और इनफिडिल इसका उल्टा होता है, इनफिडिल। ये इसमें तो इनफिडिल बराबर परफिडियसनेस, परफिडी, 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 इसका मतलब ये कोई होता है विश्वास न करने वाला। तो लेकिन इनफिडिल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग टर्म एज परफिडी, परफिडी इज स्ट्रॉन्ग टर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शब्द में भी वजन होता है, तो अगर ये जो है ये 500 ग्राम का है तो ये 300 का है, 300 ग्राम का होगा, मतलब वही होता है। इनफिडिल मतलब जो विश्वास नहीं करता, जो लायक नहीं है, वन हू जैसे ही इज इनफिडिल, इनफिडिल मतलब होता है इनफिडिलिटी टू फैमिली मेंबर्स, इनफिडिलिटी टू फैमिली मेंबर्स, इसका मतलब होता है यू आर नॉट लॉयल टू योर फैमिली, यू आर नॉट लॉयल टू योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, योर किथक, योर रिलेटिव्स, योर ब्रदर सिस्टर्स, और तो यू आर नॉट लॉयल, इनफिडिल तो बोलते हैं इनफिडिल। तो फिडिल हो गया, इनफिडिल हो गया, और इसी तरह से अथेइस, थेइस, तो फिडिलिटी इसी से बना है फिडिलिटी, और इसी से इनफिडिलिटी बना है, दोनों फिडिलिटी मतलब विश्वास, फिडिलिटी, और इसी का उल्टा होगा इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी टी, इसका उल्टा होगा। तो फिडिलिटी टू योर फैमिली, इनफिडिलिटी टू योर फैमिली, तो इसका मतलब होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी और अनलॉयल्टी, लॉयल्टी एंड बिटेयर दोनों अर्थ है, लॉयल्टी टू योर फैमिली, बिटेयर टू योर फैमिली। तो मैंने बताया परफिडी, परफिडियसनेस भी उसी सेंस में काम करता है जो लायक नहीं है। इसके अलावा गाइस ये एक और वर्ड है थेइस, अथेइस और एथेइजम, थेइजम, तो ये कॉमन वर्ड है, जानते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं। एथेइस मतलब होता है
one who believes in God. One who believes in God. और atheist मतलब होता है one who does not believe in God. Theist, atheist. तो atheist मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, इसको बोलते हैं नास्तिक. और इसको बोलते हैं आस्तिक. और इसको बोलते हैं थेइज्म. इसको बोलते हैं थेइज्म. थेइज्म मतलब इसको जो धर्म में विश्वास करता है उसको थेइज्म कहते हैं. एथेइज्म मतलब होता है जो धर्म में या भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको एथेइज्म कहते हैं. और थेइस्ट, एथेइस्ट, थेइज्म, एथेइज्म. और एक इसी से बनता है और है लेकिन इससे अलग है एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक अंतर दोनों में यह है कि ये विश्वास नहीं करता है एंड एग्नोस्टिक प्रूव्स दैट देयर इज नो गॉड. एग्नोस्टिक इज वन हु बाय हिज रीजंस बाय हिज लॉजिक्स ट्राई टू प्रूव दैट देयर इज नो गॉड. तो एग्नोस्टिक तो थेइस्ट, एग्नोस्टिक तो ये सब जो है भगवान में विश्वास नहीं करते. एथेइस्ट, एग्नोस्टिक. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी टुमारो टिल देन बाय.